हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज थोड़ा सा लेक्चर जो है ना, बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। और आज मज़ेदार है भाई साहब, शानदार क्लास है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का आप आज अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री NCERT का चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है भाई हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो बच्चा लोग, आज हम हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। लगभग 10 अभिक्रिया तो मैं कंप्लीट करूंगा ही, आज थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आज सेलेक्टेड जितने भी रिएक्शन है बेसिक रूप से मैं समझाऊंगा बिल्कुल, और कितना एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको कितना लिखना है उतना ही कराऊंगा। एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, आप मत पढ़ना, लेकिन जो आज मैं कराऊंगा उसे जरूर पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। अच्छा, हेलो एल्केन है क्या प्यारे बच्चों? हेलो मतलब हेलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब एल्किल समूह के साथ योग हो जाता है तो बनाता है बच्चा लोग RX, और RX को ही बोलते हैं हेलो एल्केन। एल्किल समूह एल्केन से बच्चा लोग जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक H हट गया, तो आपका बन गया R एल्किल, समझ रहे हैं? और इसमें जब X जुड़ गया, यानी प्लस X कर दिया, तो ये बन गया हेलो एल्केन। हमने हेलो एल्केन बनाने की जितने भी 4 से 5 विधियां थी उसे हम अच्छे तरीके से कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट अलग से बना है 2023 के लिए, है ना, तो आप लोग देख लेना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो SN1 है, SN2 है, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन आज हमारा पहला जो अभिक्रिया है अपचयन। क्या प्यारे बच्चों? अपचयन। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे, पहला जो अभिक्रिया है अपचयन। क्या? अपचयन, ठीक है। चलिए, ध्यान ये देना है कि पहले जो भी मैं शब्द बताऊंगा उसे अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा, जो भी मैं नाम बताऊंगा कार्बनिक यौगिक का उसे भी आप नोट करते चलिएगा। हमेशा मैसेज आता है बच्चों का कि सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से 11th में नहीं पढ़े थे, अब हम 12th में पढ़ने जा रहे हैं, हमको समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा। कौन कहता है कि आपसे नहीं बनेगा? हम कहते हैं बनेगा। तो आप लोग बस बेसिक से देखो, जैसे मैं प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके डाल दिया मैंने, उसे आप जरूर देख लेना, तब ये आपको समझ में आएगा। शुरू करें तो पहला हमारा अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जगह धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो अपचयन कहलाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे, अपचयन कब कहलाता है प्यारे बच्चों? यहां पर देखो, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, सही बात है। यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्या? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो भी अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तत्व का जुड़ना, यह भी हमारा क्या है बच्चा लोग? तो यह हमारा है अपचयन। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, चीजें क्लियर है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यह अपचयन है। इसके अपोजिट में यदि कोई जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ऑक्सीजन यदि निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक में से ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाए, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं अपचयन में? हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसके अपोजिट यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तब पर भी वहां पर अपचयन है। ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर से लिख लो, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके अपोजिट आप ऑक्सीकरण कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, ये सब के सब यदि कोई भी इसमें से कोई एक चीज हो रहा है तो वहां पर अपचयन हो रही है। क्या हो रही है? अपचयन हो रही है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो हम हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, अपचयन कराएंगे, अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मैक्सिमम चांस रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो लो भैया, शुरू करते हैं लिखना कि जब हम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है ना, अपने भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, एल्किल हैलाइड का अपचयन क्या कराएंगे? अपचयन नवजात
हाइड्रोजन, ये कैसे मिल सकता है? जिंक का क्रिया HCl से करा दो तो नवजात हाइड्रोजन, या विभिन्न अपचायकों नवजात हाइड्रोजन के साथ, या विभिन्न अपचायकों ऐसा भी लिख सकते हो ना, विभिन्न अपचायकों जैसे आपका निकिल हो गया, नवजात हाइड्रोजन तथा विभिन्न अपचायकों, विभिन्न अपचायकों जैसे आप ले लो, जैसे मैं कह देता हूं आपका हो जाए निकिल है ना, ये निकिल अपचायक है, और मेरे बच्चों आपको ले लेना है HI व फास्फोरस, ये आपका है ना फास्फोरस, और ले लो आप जिंक कापर युग्म, जिंक कापर युग्म व एल्कोहल, एल्कोहल ये सारे के सारे अपचायक हैं, इनके उपस्थिति में अपचयन की क्रिया, अपचायक मतलब जो दूसरे को अपचयित कर दे, ठीक है, जो दूसरे को अपचयित कर दे और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, अपचायक कहलाता है। तो एल्किल हैलाइड का अपचयन जब हम नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में करा दें तथा विभिन्न अपचायकों जैसे निकिल हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में, जिंक कापर युग्म व एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हो, ठीक है, तो आपने विभिन्न अपचायक ले लिया, अब क्रिया किससे कराना है मेरे बच्चों, की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में H2 से क्रिया कराने पर अपचयन, पहले लिख ले तो क्रिया मत लिखो, अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होगा? जब हमारे पास RX है तो X हटेगा, जब X हटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो एल्किल था ये तो एल्केन बनेगा, कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, अपचयन कराने पर ना, कराने पर एल्केन बनता है, क्या बनता है बच्चे लोग, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। पूरा हिंदी इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप भी एक विधिवत नोट्स बनाते हैं, है ना, हर एक बच्चा का कमेंट रहता है कि सर आप विधिवत लिखाया करिए ताकि हम नोट्स बनाते हैं तो दिक्कत ना हो सके और बाद में भी काम आएगा। चीजें क्लियर है कि भाई साहब अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी यहां पर आप मोटे मोटे तौर पर याद कर लो, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन के साथ साथ यदि धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा वहां भी अपचयन है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा वहां भी अपचयन है। तो अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने आपको समझाया था एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एल्किल हैलाइड बनता है, जैसे मैं यहां पर कह देता हूं C2H5 है, क्या है मेरे बच्चों C2H5 है, ये हमारा है क्या एथिल, एथिल के साथ प्यारे बच्चों आपका जुड़ गया, मान लीजिए ब्रोमीन लिख लो या आयोडीन लिख लो, ये जुड़ा तो हमारा हेलो एल्केन है, हेलो मतलब हेलोजन तत्व, ये एल्केन से बना है दो कार्बन का एथेन और एथेन से बनता है एथिल, तो एथिल आयोडाइड। एक एक फार्मूला आप याद करते चलना, फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि CH4 होता तो मेथेन, C2H6 तो एथेन, तो मेथेन से बनता है मेथिल, एथेन से बनता है एथिल, तो ये आपका है एथिल आयोडाइड। एथिल के साथ आई जुड़ा है, एल्केन से जितने हाइड्रोजन निकलते हैं उतने हाइलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो हमारा बनता है हेलो एल्केन। फिर समझने की कोशिश करो, हमारे पास आप एल्केन है, एल्केन से जितने हाइड्रोजन निकले उतने वहां पे क्या है हाइलोजन तत्व जुड़ गया तो हेलो एल्केन बन गया। इसका हमने क्रिया कराया मान लो H2 के साथ। अब यहां पे जो अपचायक है वो कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपका है जिंक कापर और एल्कोहल, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल ये मैंने ले लिया। अब ये होता क्या है मेरे बच्चों देखो जरा, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, यानी यहां से आई निकलेगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा तो जो 5 हाइड्रोजन था तो आपका 6 हाइड्रोजन हो गया, अपचयन हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ गया। हाँ सर, यहां से जो आई है H से क्रिया करके आपका HI बना लिया, क्या बनाया HI बना लिया। मैंने एक और बताया कि HI और फास्फोरस की उपस्थिति, जैसे लाल फास्फोरस है इसके प्रेजेंस में यदि क्रिया करा, इसी की क्रिया करा दे, देखो जरा सिंपल है, मैंने कहा कि C2H5 मेरे पास है ना, ठीक है सर, आई जोड़ दिया आयोडाइड हो गया। अब मैं यदि इस युग्म के साथ क्रिया करा दूं, HI के साथ क्रिया करा दूं, ये किसके प्रेजेंस में, फास्फोरस है,
फास्फोरस है। अब देखो जरा क्या होगा, ये जो एच है यहां आके जुड़ेगा, फिर समझने की कोशिश करना, एच जो है जुड़ेगा, एच जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा लाल फास्फोरस रहता है, याद रखिएगा थोड़ा सा, यहां पर लाल फास्फोरस लिख देता हूं, जब इसको गर्म करेंगे तो एच जुड़ेगा, तो सेम रिएक्शन है, C2H6 बना लिया, ठीक है सर, और एक IA और एक IA दोनों मिलकर के I2 बना लिया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके जैसे और आप कई रिएक्शन ले सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं वही रिएक्शन है, समझ रहे हैं? मैं कह देता बच्चा लोग यहां पे C3 है, H7 है, और यहां पर मेरे पास ब्रोमीन, इसकी क्रिया मैंने H2 से करा दी, तो बच्चा लोग निकिल एक आपका उत्प्रेरक है, क्या है? निकिल एक उत्प्रेरक है। अब देखो जरा, यहां से Br हटेगा, एच आकर जुड़ेगा तो कितना बनेगा, C3H7 का एट हो जाएगा, यहां से Br जो है H के साथ क्रिया करके HBr बनाएगा, क्या बनाएगा, HBr। जरूरी नहीं मैं एक ही एग्जांपल समझा रहा हूं, कई एग्जांपल समझाने का तात्पर्य यह है कि आपको पता होना चाहिए भैया रिएक्शन ऐसे होते हैं, समझ में आया? इसके जगह और सारे यौगिक ले सकते हो, मैं सिंपल एक छोटा सा यौगिक दे रहा हूं CH3 वाला, ये मेरे पास मेथिल है, मेथिल के साथ मैं क्लोरीन जोड़ देता हूं, मेथिल क्लोराइड, कितना सिंपल है, H2 की क्रिया करा दी, उत्प्रेरक मेरा निकिल है, तब क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा मेथेन, क्या बनाएगा, मेथेन, और एक क्लोरीन H से क्रिया करके HCl बनाया। अभी पहली रिएक्शन हो रही है, केवल अपचयन अभी आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अपचयन पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से समझो, एक एक स्टेप स्टेप मैं समझाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप विधिवत यदि पढ़ेंगे तो मैं आपके साथ हूं, हर एक रिएक्शन को आपको समझ में आएगा, ये गारंटेड है, बस आप थोड़ा सा धैर्य रख करके समझें। समझ में आया, क्लियर है इतना बच्चे लोग? चलिए दूसरा चीज करेंगे हम, इसको क्लीन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और बेहतर रूप से समझ पाओगे आप। तो अब दूसरा अभिक्रिया आप समझने वाले हो, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के अणुओं के साथ अपघटन कराना, या जलीय माध्यम में कोई पदार्थ मिला करके क्रिया कराना। ओके, तो दूसरे अभिक्रिया में आप देखने वाले हो, थोड़ा सा देखो कि एल्किल हैलाइड को जल या जली KOH या उबलते पानी में निलंबित सिल्वर ऑक्साइड से जल अपघटन कराया जाए तो एल्कोहल बनता है। हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन में कोई भी अभिक्रिया ले लो, जैसे हम मतलब पदार्थ ले लो, हम यहाँ पर लेते हैं C2H5, ठीक है, और पेरे बच्चों आप ले लो I ले लो या Br ले लो, ठीक है, क्या बोल रहा है, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन। जल अपघटन मतलब चाहे जल के साथ आप क्रिया करा दो, ठीक है, या तो जली KOH के साथ करा दो, मतलब यहाँ पर C2H5 हमने करा और ये Br है, या तो आप KOH के साथ क्रिया करा दो, ये जली है मतलब एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब ये जल के साथ जब सॉल्यूशन बनाता है तो KOH जो है प्यारे बच्चों देखिएगा, KOH जो है ये टूटेगा तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के रूप में है, तो ये एक्वस फॉर्म में मतलब जल के साथ इसका विलयन बना है, यदि एल्कोहल ही होता मतलब एल्कोहल के साथ मिलकर के आयन के फॉर्म में है, तो ये प्यारे बच्चों या तो जल है, ये एक्वस का मतलब ये हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं स्वयं अकेला नहीं है, ये किसी के साथ मिलकर के आयन के रूप में कन्वर्ट है, इसका हम क्या कर रहे हैं, अपघटन करा रहे हैं, ठीक है, क्या करा रहे हैं, अपघटन करा रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या बोला है, एल्किल हैलाइड का चाहे हम जल के साथ डायरेक्ट अपघटन करा दें, या तो जली KOH के साथ डायरेक्ट अपघटन करा दें, या तो आप सिल्वर ऑक्साइड से जब हम अपघटन कराएंगे तो जैसे C2H5 हमारे पास Br है, तो ये जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड है ना, यहाँ पर उबलते हुए पानी निलंबित सिल्वर ऑक्साइड, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे, चाहे इसके साथ हम करा दें। ओके, इन तीनों के साथ रिएक्शन यदि हम कराएं तो हमें मिलने वाला है क्या, एल्कोहल मिलेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल। कैसे एल्कोहल, समझ में नहीं आया सर, कैसे एल्कोहल बनेगा, देखो ये जो H2O है, H2O को जब हम देखें कि जब ये टूटता है, एक H पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है, समझ में आया। जब KOH की बात करें तो जब KOH टूटता है प्यारे बच्चों तो K पॉजिटिव बनाता है, OH नेगेटिव बनाता है, ये भी समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार Ag हमारा बनता है, Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो डायरेक्ट आप AgO कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ठीक है। चलिए अब देखो जरा कैसे अभिक्रिया होगा, Br यहां से निकलेगा, देखो Br होगा निगेटिव, तो H2O में दो चीज है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव से क्रिया करके HBr बनाएगा, सही है सर, ठीक है। अब यहां पर देखो
इसका जो निगेटिव है वो पॉजिटिव वाले भाग से के से क्रिया करके के बी आर बना लिया। ओके ठीक है, यहां पर देखो बी आर जो है एजी से क्रिया करके एजी बी आर बना लिया। ठीक है, सब में प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो यहां पर बच कितना रहा है, सी टू एच फाइव बच रहा है, तो सी टू एच फाइव बचा। यहां से ओ एच बचा है, ओ एच जोड़ दो। यहां पे अल्कोहल का पहचान बन गया एथिल अल्कोहल, यहां पे सी टू एच फाइव एथिल अल्कोहल, सी टू एच फाइव ओ एच एथिल अल्कोहल। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, पढ़ने का थोड़ा तरीका सही होना चाहिए। यदि एक रिएक्शन आपका समझ में आ रहा है भाई साहब आपको, तो थोड़ा सब कुछ आप समझ सकते हो। दूसरा रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा था, या तो उबलते हुए पानी में डायरेक्ट रिएक्शन करा दो, सिंपल है, जल के साथ डायरेक्ट अपघटन करा दो, या तो जली के OH के साथ अपघटन करा दो, या तो प्यारे बच्चों AgOH है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जल अपघटन करा दो। लेकिन ये कैसे होता है, ये जल के साथ निलंबित रहता है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर जो उत्प्रेरक रहता है AgO2 का निलंबित कण उपस्थित रहता है। देखो जरा यहां पर निलंबित सिल्वर ऑक्साइड के यहाँ पे कण रहते हैं, तब ये प्यारे बच्चों आपका बनता है जल के साथ जल अपघटन के क्रिया के फलस्वरूप हमारे पास मिल रहा है एल्कोहल। ओके चीजें क्लियर हो गई। जल अपघटन में हमेशा ध्यान रखना कि जल के अणुओं का टूटना होता है, जल के अणुओं का उपस्थित होना होता है। यदि जल के अणु उपस्थित नहीं होंगे तो फिर जल अपघटन नहीं हो सकता। तो ये हमने किसकी अभिक्रिया पढ़ ली, हैलो एल्केन का जल अपघटन। दूसरा अभिक्रिया जो कि काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, फिर से समझो, ये मेरे पास एथिल एल्किल हैलाइड है, एल्किल में यहां पर आ गया C2H5, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इसका हमने डायरेक्ट जल से अपघटन कराया तो हमें एल्कोहल मिल गया। मैंने यहां पर कहा कि ये दो भागों में टूटता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो इसका पॉजिटिव होगा इसके निगेटिव भाग से जुड़ेगा। इसमें भी दो भाग है मेरे बच्चों, ये आपका निगेटिव भाग बनता है, ये आपका पॉजिटिव भाग बनता है। तो ये जो पॉजिटिव भाग है इसके निगेटिव भाग, इसका जो पॉजिटिव वो निगेटिव भाग से जुड़ेगा, और इसका जो बी आर है वो निगेटिव है वो पॉजिटिव भाग से जुड़ेगा। ठीक है, इसके भी दो भाग होंगे, इसके भी दो भाग होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मैंने आपको बताया कि जब H2O टूटता है तो H पॉजिटिव OH निगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो देर किस बात की, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट से ही आप समझ पाते हो कि रिएक्शन क्या है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। इसके बाद आप तीसरा अभिक्रिया देखें, एल्कीन का बनना। एल्कीन किससे बनेगा, हेलो एल्केन से। देखो अभी हमने कराया था जल अपघटन, जल अपघटन में आपने क्या सीखा, जल अपघटन में जल के अणु होते हैं या जली के OH के साथ हमने क्रिया करा दिया तो हमें मिला था एल्कोहल। अब यहां पर जली के OH और एल्कोहली के OH में डिफरेंस क्या है, यदि आ गया मेरे बच्चों जलीय के OH, जलीय के OH, इसका मतलब ये जो के OH ले रहे हैं ये एक्वस फॉर्म में है आयन के रूप में। लेकिन प्यारे बच्चों यदि हमें ऐसा मिल जाए एल्कोहालिए, एल्कोहालिए के ओ एच, तो मतलब यहां पर के ओ एच तो आप लिखोगे ए एल सी, एल्कोहालिए लिख सकते हो आप। ठीक है, ए एल सी का मतलब हो जाता है एल्कोहाली, मतलब ये जो के ओ एच है वो जल के साथ मिला हुआ है, ये जो के ओ एच है वो एल्कोहल के साथ, जैसे सी टू एच फाइव ओ एच कर देते हैं, एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, समझ रहे हैं। तो एल्कोहली और जली दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अभी हमने हैलो एल्केन की क्रिया जल के साथ कराई थी, या कि हैलो एल्केन की क्रिया जलीय केओएच के साथ हमने करा दी। यहां पर जो हमारा अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड की क्रिया रहेगी किसके साथ, एल्कोहली केओएच के साथ, तो हमें एल्कीन मिलेगा। अभी हमने कराया था जली के OH के साथ, जली के OH, क्वेश्चन ये आ जाए कि हैलो एल्कीन की क्रिया जली के OH के साथ कराओ तो क्या प्राप्त होता है, तो आप कहोगे सर एल्कोहल प्राप्त होता है। वहीं पे यदि क्वेश्चन आ जाए कि हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहाली के OH के साथ गरम कर दें या क्रिया कराएं, एल्कोहाली मतलब एल्कोहल युक्त के OH, जली के OH मतलब जल के साथ के OH मिला है, एल्कोहाली है मतलब एल्कोहल के साथ के OH मिला है, समझ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चा लोग। अभी जल अपघटन में आपने एल्कोहाली नहीं लिया था, जली लिया था। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का बनना। इस एल्कीन में जो आपका है बनेगा, जानते हैं क्या, इतना आज गर्मी है बच्चा, यहां पर बनेगा एल्कोहाली के OH के साथ क्रिया करके एल्कीन, एल्किल हैलाइड C2H5Br ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं C2H5Cl ले लेते हैं। क्रिया किससे करना है, के OH के साथ ही करना है, लेकिन ALC का मतलब ये हुआ एल्कोहाली है,
क्रिया किससे कराना है? QH के साथ ही कराना है। ALC का मतलब क्या है? एल्कोहली है। ये जरूर लिखना ताकि समझ में आए कि हाँ भाई साहब एक क्रिया कर रहा है। अब देखो जरा कैसे क्रिया करेगा। हम बोले कि हमारे पास एल्कीन बनता है। एल्कीन का मतलब ये होता है कि एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए। जैसे हमारे पास एल्केन है, क्या एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n। मतलब एल्केन से दो हाइड्रोजन कम होता है। क्या होता है? दो हाइड्रोजन कम एल्कीन में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड, एथेन से बना होगा एथिल। तो भाई जब एथेन का फार्मूला होता है C2H6, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो C2H5 एथिल बना। अब एथिल से हम एथीन बनाना चाहें तो एक हाइड्रोजन और निकाल दो, क्योंकि हमने पढ़ा कि एल्केन में से दो हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्कीन बनता है। अब हमने यहां पर देखा भी एल्कीन का बनना पड़ रहे हैं, हैलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया है। एल्कील हैलाइड का क्रिया हम जलीय KOH के साथ ना करा करके एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, तो बनेगा क्या? देखिएगा, ये जो K है वो Br से क्रिया करेगा, सिंपल है। जो प्लस है बच्चा लोग वो तो आपका माइनस से क्रिया करेगा, तो बना लिया KBr, ठीक है। अच्छा, ये जो OH है यहां से AH उधार ले लेगा, भीख मांग कर कि अगले जन्म में हम आपको उधार दे देंगे, कंप्लीट करा देंगे भाई हमारी जो उधारी रहेगी। अब बचा बेचारा ये C2H4, क्या बचा? C2H4। हाँ सर यही तो है एथीन, बन तो गया, अब कहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्रिया यहाँ भी करा दो, K जो है Cl से क्रिया करके KCl बना लिया। H2O भाई साहब वही प्रोसेस है, OH जो है यहाँ से एक H उठाया चला गया, बचा यहाँ पर कितना? C2H4। देर किस बात की बच्चा लोग, समझ में आ गया होगा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने किससे करा दी थी? एल्कोहली KOH के साथ करा दी। और जब एल्कोहली KOH के साथ क्रिया करा दी हमने तो जलीय नहीं है, जलीय होने पर ये एल्कोहल बनाता है, जबकि एल्कोहली KOH के साथ क्रिया करा दिया तो एल्कीन बना दिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इतना स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। और अगला रिएक्शन है बच्चे लोग, तब तक मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ। चौथा नंबर है ईथर का बनना। क्या है? ईथर का बनना। ईथर का बनना यानी जो रिएक्शन है ईथर बनाएगा, इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। क्या बच्चा लोग? विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। यदि कभी हिंदी से नाम आ जाए भाई साहब, ऐसा ना दे कि एल्कीन कैसे बनाई जाती है, ईथर कैसे बनाई जाती है, सीधा नाम ऐसे दे दे, हुंसडीकर अभिक्रिया, ब्रुटज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अभी सारे अभिक्रिया पढ़ने वाले हो यार, थोड़ा सा वेट तो करो, आज का जो सेशन है धमाकेदार होने वाला है। कुछ बच्चे स्किप करके चल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब देखो विलियमसन संश्लेषण, ईथर का बनना, ये सारे अभिक्रिया भी किसके पढ़ रहे हो? हैलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। तो हैलो एल्कीन की क्रिया पढ़ रहे हैं। अब विलियमसन संश्लेषण में होता क्या है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है यानी हैलो एल्केन है, इसकी क्रिया हम सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ कराते हैं। देखो जरा हैलो एल्केन की क्रिया, हैलो एल्केन, इसको हम एल्किल हैलाइड ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड ही कहते हैं। नहीं बोल दो सर ये कहां पढ़ा दिए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, इसे तो हमने देखा ही नहीं। हैलो एल्केन ये एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम, सोडियम एल्काऑक्साइड, एल्काऑक्साइड, एल्काऑक्साइड या एल्काऑक्साइड ऐसा लिख सकते हो, के साथ कराने पर एल्काऑक्साइड, हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्काऑक्साइड से कराने पर, कराने पर क्या प्राप्त होता है जानते हैं? ईथर बनता है, ईथर प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल है यार। अच्छा इसका कोई लॉजिक है सर जो हमें याद हो जाए? अच्छा एक चीज तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो मेरा प्यारे बच्चों हैलो एल्केन है इसका पहचान है RX, ठीक है, यहां पर डैश लगा देता हूं, सिंपल है। इसकी क्रिया मुझे जानते हैं किसके साथ कराना है? सोडियम, देखो सोडियम, देखो कैसे याद करना है, सोडियम ऑक्साइड है तो ऑक्साइड, एल्काऑक्साइड एल्केन है मतलब एल्किल, RO यानी है, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्केन से बना एल्का ऑक्साइड, आर है एल्किल समूह। अब इसको जब मैंने क्रिया कराया तो कुछ नहीं, ये जो Na है ना वो सीधा
एक्स से क्रिया करता है और एन ए एक्स बना देता है, और बच्चा लोग आर जो है वो आर डैश, डैश का मतलब यह हो सकता है दोनों में अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हों, हो सकता है दोनों में समान एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम यहां पर आर डैश का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा रुको, जरा वेट करो, सब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे देता हूं। ईथर बना रहे हैं, ईथर का पहचान ही है दो एल्किल मूलक के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हो, है ना, दो एल्किल मूलक के बीच में क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, तो भैया ये कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर। दो एल्किल मूलक है, R है और ये R डैश है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया तो हमारा, अब कहोगे सर इसमें R डैश लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, अरे मत लगाओ, लगा भी सकते हो। R डैश का मतलब ये हो गया, हो सकता है दोनों अलग अलग हों, हो सकता है दोनों एक हों, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रयोग कर लिया बच्चा लोग R डैश और R, ठीक है। चलो अब क्रिया कराता हूँ, फिर से समझो, सोडियम एल्काक्साइड याद करना पड़ेगा, आर ओ यानी रोना से रोर बन गया। देखो हम लोग अपने देहाती भाषा में बोलते हैं कि रो रहा था बच्चा, उसे रोर, रोर मतलब जानते हो क्या होता है, जब आप घर में घुसते हो किसी के गांव में तो सामने लकड़ी लट्ठा लगा रहता है उसे रोर कहते हैं, फाटक जिसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे लट्ठे लगे रहते हैं उसे रोर बोलते हैं, अपने देहाती भाषा में बोल रहा हूँ। ये रोना से रोर बन रहा है, ये ट्रिक है इसका, रोना से रोर, क्या, रोना से रोर, रोना से रोर, रोर लो बच्चा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, आप केमिस्ट्री लेके रखे हो, आर्ट ले लेना चाहिए था, समझ रहे हो। तो यहां पे हमने कहा सोडियम एल्काक्साइड क्या है सर, सोडियम, सोडियम CH3 कर दियो तो मेथ है, एक कार्बन तो मेथाक्साइड, अच्छा सोडियम दो कार्बन का तो सोडियम एथाक्साइड, सोडियम मेथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, दो कार्बन है तो एथ से एथाक्साइड, मेथ से मेथाक्साइड, मेथ है और ऑक्सीजन तो मेथॉक्साइड, तो सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, है ना, चीजें क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं इधर R डैश एल्किल हैलाइड है तो CH3 Cl करा दो, यहां पे करा दो C2H5 Cl करा दो, किसी भी क्रिया करा दो भाई, जैसे C2H5 ONa है, यहां पर मैं कह दिया CH3 Br है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम होगा, रोर ही बनेगा, है ना। देखो जरा Na जो है Cl से क्रिया करेगा दोस्ती, Na जो है Cl से, Na जो है Br से क्रिया करेगा, सब में एक में बनेगा NaCl, यहां भी बन रहा है NaCl, यहां बन रहा है NaBr, सही बात है। देखो जरा सब में बन रहा है NaCl, NaCl, NaBr, बचा यहां पे कितना CH3, CH3, CH3 और O CH3, रोना से रोर बन गया, ठीक है। यहां पर डाइमेथिल ईथर, ठीक है, यहां पर देखो डाइएथिल ईथर C2H5 O C2H5, यहां पर एक CH3 है और O यहां पर C2H5 है, इधर C2H5 है तो इधर कर दो, नहीं तो सर कहेंगे सर कलम कर देंगे हम, कैसे पढ़ाती हो, अरे चल जी, चलो बच्चों ये हमारा हो गया ईथर का बनना, ईथर बन गया, क्या बन गया, ईथर, चीजें क्लियर है। हैलो एल्केन से हम पढ़ा रहे हैं भैया, हैलो एल्कीन की क्रिया करा रहे हैं और हम बना रहे हैं विभिन्न प्रकार के यौगिक, जैसे हमारा हैलो एल्केन से ईथर कैसे बनाओगे, यदि आ गया कि हैलो एल्केन से ईथर प्राप्त कीजिए तो आपको फिर यही बताना पड़ेगा कि हैलो एल्केन से ईथर बनाने के लिए हैलो एल्कीन की क्रिया हम सोडियम एल्काक्साइड से कराते हैं, किसे, सोडियम एल्काक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, फिर बच्चों हैलो एल्केन से बन जाता है ईथर, क्या बन जाता है, ईथर, सिंपल है, समझ में आया। तो अब आपका रिएक्शन शुरू होने वाला है बूटाजव क्रिया, क्या फिर बच्चों, बूटाजव क्रिया, यार मजा आएगा बूटाजव क्रिया में, बिल्कुल सिंपल है कि एल्किल हैलाइड की ही क्रिया करा रहे हैं, सोडियम से क्रिया करा दें या तो हम कापर से क्रिया करा दें या तो धातु में सिल्वर चूर्ण से क्रिया करा दें। बूटाज में ध्यान देना, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे बूटाजव क्रिया,
वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया भी पढ़ोगे। थोड़ा ध्यान रखना, अभी आप पढ़ रहे हो वोल्टेज अभिक्रिया, इसके बाद आप पढ़ोगे वोल्टेज फिटिंग, फिर फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन वोल्टेज अभिक्रिया में होता क्या है, एल्किल हैलाइड की तो क्रिया करानी है, ये तो सबको पता है। हाँ सर, ये तो हम जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं, एल्किल हैलाइड RX होता है। अच्छा, इसकी क्रिया हम यदि सोडियम से करा दें, किससे करा दें, सोडियम से करा दें। अब देखो जरा ये कैसे क्रिया करेगा, इसके दो अणु लेने पड़ेंगे, जैसे RX ले लिए, ऐसा क्यों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, किसके, शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है। तो प्यारे बच्चों, जो R है ये अलग हो जाएगा और N जो है NaX बना लेगा, और R जो है सिंगल बॉन्ड R, 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2Na ले लेते हैं। अरे यार, कहाँ से समझ में नहीं आया सर, क्या पढ़ा दिए, हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हेलो एल्कीन की क्रिया हम करा रहे हैं धातु के साथ, जिस धातु का नाम है सोडियम, या हम कापर ले लें या तो सिल्वर चूड़ ले लें, ठीक है। अब हो सकता है भाई इसके एक अणु, दो अणु, तीन अणु, जितने भी रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई, कंडीशन है। दूसरा जो अब आप अभिक्रिया पढ़ने वाले इसके बाद, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसमें भी सेम रहेगा, थोड़ा समझना। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, क्या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तब मजा आएगा। एक के साथ एक फ्री, डिमांड लेते जाओ भैया, एक के साथ एक फ्री, बस सिंपल है। देखो हम, देखो सेम लिख रहे हैं कि जब जब एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पैराफिन प्राप्त होता है, पैराफिन प्राप्त होता है। दोनों अभिक्रिया सेम है, नाम से आता है अभिक्रिया, ध्यान रखना बच्चा लोग, नाम से अभिक्रिया पूछा जाएगा कि पैराफिन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा RX हेलोएल्केन है, हाँ सर RX हेलोएल्केन है, ZN की क्रिया करा दी तो क्या बनाता है, ये जो ZnCl2 बना लेगा और R और R बना देगा, और ZN जो है X2 ऐसा यौगिक बना देगा। तो हमने सिर्फ दोनों में क्या चेंजेस की है, देखो जरा दोनों में क्या चेंजेस की है बच्चा लोग। इसमें हम जब हम वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें सोडियम कापर या सिल्वर चूर्ण ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, और जब हम जिंक वहां पे ले लेते हैं तो ये बन जाता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या बन जाता है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, मतलब वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया में जो हमारे पास जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है वो है शुष्क ईथर, क्या शुष्क ईथर, इसके उपस्थिति में ही क्रिया करेगा। यदि ये शुष्क ईथर नहीं है तो फिर आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करेंगे, इसके जगह कोई और एग्जांपल बताओ सर तो बढ़िया आएगा, मजा भी आएगा। जैसे बच्चा लोग यहां पर ले लेता हूं C2H5Cl, सही है, और यहां पर मैं 2Na ले लेता हूं और इसके जगह ले लेता हूं C2H5Cl, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा तो C2H5 बना देगा और यहां पर NaCl बना देगा, 2NaCl बन जाएगा, ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप यहां पर लिख सकते हो, सिंपल। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, यदि जिंक ले लिए तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाया, यदि सोडियम है तो वोल्टेज अभिक्रिया कहलाया। यदि फ्रैंकलैंड ले लिए अभिक्रिया में तो भाई जिंक लेना पड़ेगा, और वोल्टेज अभिक्रिया की बात कर ले तो वहां पर सोडियम ले लो या तो कापर ले लो चाहे सिल्वर चूर्ण ले लो, कापर ले लो सिल्वर चाहे ले लो और चाहे कापर चूर्ण ले लो, समझ में आ रहा है। इसमें भी आप लोग एक एक एग्जांपल और करो थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चे लोग CH3 है और Cl है, चाहे मैंने दो ठो लिया था ना तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दो और 2Na ले लो, सिंपल है बस, खत्म कहानी। 2Na दो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ही है तो 2NaCl बना लिया, NaCl दो ठो बन गया और यहाँ पर बन गया CH3। अच्छा एक चीज और कहलाता है पैराफिन, मतलब एल्केन, पैराफिन मतलब एल्केन, कंफ्यूज मत होना, पैराफिन मतलब एल्केन, ये एल्केन है देखो जरा, पैराफिन मतलब एल्केन। यहाँ पे आप कहोगे CH3Cl है सर और हम जिंक की क्रिया करा दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनाएगा CH3, ये पैराफिन है और बना लेगा ZnCl2।
देखो ये फ्रैंकलैंड क्रिया है, दोनों सेम रिएक्शन है। बूटा जब क्रिया भी हेलोइल्केन की रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड भी हेलोइल्केन की रिएक्शन है, छठा नंबर का अभिक्रिया चल रहा है। और हमने कहा है प्यारे बच्चों आपको 10 अभिक्रिया कराएंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करो, 10 अभिक्रिया तक हम पहुंचेंगे और पूरे अभिक्रिया कराएंगे। 10 से अधिक हो तो हो जाए, लेकिन कम नहीं होने पाए। तो चीजें क्लियर है, बूटा जो फ्रैंकलैंड, इसमें भी शुष्क ईथर, इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। हेलोइल्केन की क्रिया सोडियम कॉपर सिल्वर चून, यहां पे हेलोइल्केन की क्रिया हम जिंक के साथ कराएंगे। डिफरेंस इतना है, यहां पर कॉपर या सिल्वर या सोडियम ले लो, यहां पर आपको लेना पड़ेगा जिंक। क्या लेना पड़ेगा? जिंक। ओके, समझ में आ रहा है? या बूटा जब क्रिया में आपने क्या क्या लिया? सोडियम कॉपर सिल्वर चून। फ्रैंकलैंड में आपने क्या लिया मेरे बच्चों? तो फ्रैंकलैंड में आपने ले लिया एल्किल हैलाइड में जिंक ले लिया, समझ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। तो बन गया हमारे पास पैराफिन। क्या? पैराफिन। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो रिएक्शन आता है नाम से, वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें एक बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। बेंजीन रिंग की क्रिया हम हेलोइल्केन से कराएंगे, बेंजीन रिंग की क्रिया कराएंगे हेलोइल्केन से। FeCl3 की उपस्थिति निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड ले लो, सिंपल है, ठीक है। चलो तो आगे हेडिंग आप लोग लगाओगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम से आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, जैसे बूटा जब क्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, ये तो बिल्कुल आप रट लो भाई, आना ही आना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चा लोग? थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। देखो हम क्या कराने वाले हैं, एल्किल हैलाइड या हेलोइल्केन की क्रिया, एल्किल हैलाइड। क्या प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, बेंजीन के साथ क्या कराते हैं, एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, को के जगह की कर लो तो अच्छा रहेगा, एल्किल हैलाइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कराने पर, बेंजीन से क्रिया कराने पर किसकी? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको बताया हेलोइल्केन मतलब एल्किल हैलाइड, उसमें आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कुछ भी जोड़ सकते हो। तो बेंजीन से हम क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा एल्किल बेंजीन, ठीक है, कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन। ओके, एल्किल हैलाइड की हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। एल्किल हैलाइड कोई भी ले लो, सिंपल सा कोई ले लो, बेंजीन रिंग तो सबको पता है, ये 6 खाने आपस में मिल जाते हैं तो बेंजीन रिंग बन जाता है, ये बेंजीन रिंग है। इसकी क्रिया आपको किससे कराना है? किसी भी एल्किल हैलाइड से, तो हम कहते हैं CH3Cl है। इसकी क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से, ये कैसा है? निर्जल है। निर्जल का मतलब इसमें जल के अणु बिल्कुल नहीं है। तब प्यारे बच्चों हर एक कार्बन पर 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, मतलब CH 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 CH, ये CH, यहां भी CH, हर एक के पास डबल बॉन्ड आप लगा दो ऐसा कुछ, तो ये बेंजीन रिंग है। हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यदि यहां से एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला तो जब कुछ निकलेगा तो कुछ लेना पड़ेगा, तो क्लोरीन जुड़ गया, नहीं क्लोरीन मत जोड़ो, आपको जुड़ना है एल्किल समूह CH3। और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन धन वाला निकला, यहां से H जो निकलेगा वो Cl से क्रिया करके HCl बना देगा। हमने क्या कहा? एल्किल हैलाइड हमने लिया, देखो जरा ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चे लोग? तो मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। दिस इज ये बेंजीन, क्या है? मेथिल बेंजीन बन गया भैया, ये मेथिल क्लोराइड है और हमारा ये बेंजीन है, ये बन गया मेथिल बेंजीन, एल्किल बेंजीन ना, तो मेथिल बेंजीन, जिसका एक प्रचलित नाम है टालुइन। क्या? टालुइन। दिस इज ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना कंपाउंड,
मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास यौगिक मिल चुका है टालुइन। तो टालुइन कैसे बनाएंगे बच्चा लोग, बेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से करा दें निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, तो हमें मेथिल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यह रिएक्शन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप लोग अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्किल हैलाइड है हमारे पास, मेथिल क्लोराइड है, इसके जगह आप C2H5Br भी ले सकते हो, इसके जगह आप C2H5Iodine भी ले सकते हो, इसके जगह CH3F भी ले सकते हो, CH3 आप Cl तो लिए थे ही, I ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हाँ बेंजीन के साथ कराना है। और आपका उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 रहेगा। याद रखिए एक फ्रिडल क्राफ्ट नहीं है, अभी आगे चलकर आप फिनाल में भी पढ़ोगे, फ्रिडल क्राफ्ट की अभिक्रिया फिनाल में भी पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हर एक जगह आप AlCl3 ले लोगे, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई नहीं कहेगा कि AlCl3 मत लो, हर जगह आप AlCl3 ले सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग कि ये भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कितने रिएक्शन हो गए, 7 हो गए ना। और अगला है हैलोजनीकरण। हम आपको 10 रिएक्शन करा के ही छोड़ेंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो। और हाँ एक एक रिएक्शन काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे एक एक रिएक्शन बच्चा लोग। चलो हेडिंग लगा लो हैलोजनीकरण। ये कौन सा नंबर है, 8वां नंबर रिएक्शन हो गया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना लगातार, हैलो एल्केन में ही हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण सबसे ज़्यादा सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, हैलो एल्केन को सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण की जा सकती है। हैलोजनीकरण की जा सकती है। अच्छा, आपको डाउट यहां से एक बन सकता है कि सर हैलोजनीकरण क्या है, किसी भी कंपाउंड द्वारा हैलोजन तत्वों का योग करना या हैलोजन तत्वों का जुड़ना ही हैलोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलोजन तत्वों का योग ही हैलोजनीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा हैलोजनीकरण क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सा कोई यौगिक ले लेता हूं, C2H5Cl है, इसकी क्रिया मैं क्लोरीन से करा दूं, अब क्या होगा सर, हैलोजनीकरण में हैलोजन तत्व जुड़ता है और हैलोजन तत्व यदि जुड़ेगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। एक किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तो आप H𝛎 लिख सकते हो। H𝛎 क्या, H𝛎 फोटॉन की ऊर्जा। अब देखो जरा, जब हमने कहा क्लोरीन जुड़ेगा तो अभी हमारे पास एक क्लोरीन थे तो अब हमारे पास 2 क्लोरीन हो जाएंगे, सही बात है। और यदि एक क्लोरीन जुड़ा तो एक हाइड्रोजन निकाल दो तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, कार्बन सेम है, कोई दिक्कत, दिक्कत तो बहुत होगी। अरे सर यहां से एक Cl निकला, एक यहां से H निकला और -HCl बाहर हो गया, समझ में आया। देखो अगले नंबर में शायद हो सकता है समझ में आ जाए, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, ये प्लस हो रहा, ऐड हो रहा है जब, तो एक H यहां से, एक Cl यहां से, तो -HCl बाहर हो गया। एक H जब निकल गया मेरे बच्चों तो बचा C2H3, सही बात है, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन जुड़ गया तो Cl3 हो गया। फिर से अगले प्रोसेस में Cl2 है, HCl बाहर हुआ, क्यों, यहां से एक H निकला, यहां से एक क्लोरीन, तो HCl बना लिया। तो बना क्या मेरे बच्चों, हमारे पास यहां पर हो गया C2H2 और Cl4, ये हमारे पास यौगिक बना। इतने में ही हम नहीं रुकने वाले, अगले प्रोसेस में फिर से Cl2 की क्रिया करा दो, फिर से एक ClH से क्रिया करके -HCl बाहर हो गया, अब कितना बना, C2H सिंगल है, Cl5 हो गया। अरे सर अभी और होने वाला क्या, फिर Cl2 से क्रिया करा दो, फिर H जो है Cl से क्रिया करके -HCl, तो बना C2Cl6, ये हमारे पास यौगिक बन गया। यही है हैलोजनीकरण। ये 8 हो गए हैलोजनीकरण। अब एक अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, एक अभिक्रिया अभी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हाफ मैन अभिक्रिया।
समझ रहे हो, हाफ मैन अभिक्रिया, इसे आप लोग लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो अगले नंबर पर चलते हैं, आपका रिएक्शन नंबर 9 है अब हाफ मैन अभिक्रिया और हमारा एमिनो का बनना। एमीन यहाँ पर बनेगा बच्चे लोग, और एमीन यहाँ पर बनेगा जो विभिन्न प्रकार के एमीन का निर्माण होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क यौगिक भी मिल सकता है। तो हम तो पढ़ ही रहे हैलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया, तो अब कराएंगे कैसे अभिक्रिया मेरे बच्चों, तो एल्किल हैलाइड की ही क्रिया कराएंगे, या तो जलीय अथवा एल्कोहली होगा। हम प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराएंगे, और वो भी किसके साथ, हमारे साथ होगा अमोनिया। अमोनिया यदि नहीं है तो फिर ये हाफ मैन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। एमीनो का बनना, एमीन कैसे बनता है, अमोनिया की क्रिया करानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसे लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को जलीय एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली अमोनिया की, यहाँ पर यही तो दिक्कत है, थोड़ा सा गड़बड़ है, अमोनिया की क्रिया कराएंगे, अमोनिया कहीं पर लिखा नहीं है। तो एल्किल हैलाइड को अमोनिया की, किसके, अमोनिया के, अमोनिया की यहां पर लिखना, अमोनिया के जलीय एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर विभिन्न प्रकार के अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। फिर समझो, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है मेरे बच्चों, हम यदि कह दें कि यहां पर C2H5 है और यहां पर Cl है, ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं बताओ जरा, एल्किल हैलाइड है, हाँ सर है। Cl के जगह आप चाहे आयोडीन ले लो, चाहे आप ब्रोमीन ले लो, जो आपको इच्छा पड़े। देखो इसकी क्रिया अमोनिया से करा दें, किससे कराएं, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनियम भैया, अमोनिया गजब हो गया, चलो सबको पता है NH3 होता है, NH3 होता है, अमोनिया मतलब NH3। हम सोचे कि भाई साहब ये अमोनियम है, ये गलत तो नहीं है अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया ही लेंगे तभी अमोनियम लवण मिलेगा, चिंता नहीं करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, अमोनिया, अमोनिया गैस है, अमोनिया बड़ा ही गंधयुक्त होता है भाई साहब। अब देखो क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा, तो बना लेगा HCl, बड़ा सिंपल से बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास C2H5 है, ठीक है सर, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन निकल गया, तो इसके साथ आकर के जुड़ा NH2, क्या जुड़ गया, NH2। ये हमारा प्राथमिक एमीन है, इसका नाम ले सकते हो, ये हमारा एथिल एमीन, क्या, एथिल एमीन। ओके यार, इतना रिएक्शन पढ़ाते पढ़ाते ना माइंड अब घूमने लग गया है, समझ रहे हो, गर्मी इतना तेज, बाहर भारी बारिश, आधा ध्यान तो बारिश में, बहुत तेज से बारिश हो रही है, समझ रहे हो, और आधा ध्यान इधर पढ़ाने में, सॉरी सॉरी इसके लिए माफ करना, कहीं पे भूल चूक हो जाए तो कोई बात नहीं। हमने कहा एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया हम अमोनिया से कराएंगे, वो भी अमोनिया या तो जली होगा या तो एल्कोहली, जैसे हम यहाँ पर या तो एक्वस फॉर्म लिख सकते हैं या तो प्यारे बच्चों एल्कोहली लिख सकते हैं, और चाहे आप दोनों में से कुछ ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, यदि आप हिंदी से लिख दिए तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले रिएक्शन हो गया, इतने में ये नहीं रुकता, ये बड़ा ही चंचल है, बोलेगा जब हमें और मौका है तो चौंका क्यों ना मारे, जब नाश्ता का प्लेट दोबारा मिलने वाला है तो फिर हम चौंका क्यों ना मारे, तो फिर NH3 के पास जाता है, किसके पास जाता है, NH3 के पास। अब जब NH3 के पास जाएगा तो ध्यान देना थोड़ा सा, ये करेगा क्या, NH3 के पास जाएगा तो NH3 तो भाई यहाँ पे क्रिया करने योग्य नहीं होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी क्रिया इससे करा दे, C2H5Cl से, किससे, C2H5Cl से। अब होगा क्या, यहाँ से एक H निकलेगा और Cl के साथ संयुक्त होकर के HCl का निर्माण करेगा, यहाँ पर क्या बचेगा सर, C2H5 दो ठो हैं, तो C2H5 है ना, दो ठो हैं, ठीक है। अब इसके बीच जो बंध का निर्माण होगा, एक H निकल गया तो NH बन गया, क्या बन गया, NH बन गया। या आपको ऐसा नहीं लिखना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C2H5 दो टो है तो C2H5 का होल ट्वाइस और NH बन गया। इतने में भी ये नहीं रुकता है, फिर बना C2H5 का होल ट्वाइस NH है, फिर से ये क्रिया कर लिया मान लो C2H5Cl से, तो क्या होगा बच्चा लोग, ये जो Cl है फिर से उड़ान भरेगा हाइड्रोजन के साथ HCl, उसे तो मौका मिल रहा है। अब कितना हो जाएगा, C2H5 का यहाँ पर तीन था तो यहाँ पे चार हो गए, C2H5 दो था सॉरी, तो तीन हो गए, और यहाँ पर बचा N, सिंगल N,
ठीक है, फिर भी अभी ये शांत नहीं है, C2H5 और आपका यहाँ पे तीन अणु हैं, और फिर से ये C2H5Cl से क्रिया करता है। अब ये जोड़ेगा, जबरदस्ती जोड़ रहा है, बोलेगा नहीं हमको जोड़ना ही है भाई, कीड़े आ गए बहुत ज़्यादा, C2H5 का 4 कर दो, अब N पर पॉजिटिव आ जाता है, Cl पर आंशिक निगेटिव आ जाता है। इस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अब देखो हमें दिन का सबसे नाम कहें भाई साहब, तो नाम बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, लिख लो आप लोग, फिर टेट्रा अमोनियम आयोडाइड, सॉरी क्लोराइड है, यहाँ पर टेट्रा है अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड, लिखना हो तो लिख लो। तो भाई साहब जब हम किसकी क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का या तो जली या तो एल्कोहली, दो में से कोई एक होना चाहिए, या तो जली या तो एल्कोहली, हमारे पास है एल्किल हैलाइड, इसकी अब क्रिया या तो जली या तो एल्कोहली अमोनियम के साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ, सॉरी, जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते तो विभिन्न प्रकार के हमें अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है, जो भाई साहब प्राथमिक अमीन है, ये द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुष्क अमोनियम, यहाँ पर मेरे बच्चों लवण प्राप्त हो रहा है, चतुष्क यौगिक का निर्माण हो रहा है, जिसे टेट्रा एथिल है, तो एथिल अमोनियम आयोडाइड। देखो जरा एथिल अमीन है, यह हमारा डाई एथिल अमीन, ट्राई एथिल अमीन हो जाएगा, इसके बाद आपका टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड हो जाएगा, अमोनियम आयोडाइड हो, सॉरी क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। तो कितने रिएक्शन कर लिए आप बच्चा, 9 रिएक्शन हो गए, अभी इतने में शांत रहना है, ख़त्म करें, अलविदा करें, पर फिर से आपको रासायनिक अभिक्रिया कराना पड़ेगा, इसलिए एक दो और रिएक्शन करा देते हैं, जो कि काम की चीज़ें हैं, ठीक है, चलो कंप्लीट है, मिटा दें, ठीक। रिएक्शन जितना ज़्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर है प्यारे बच्चों, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाफ माइन अभिक्रिया आ गया तो इतना करना पड़ेगा, यदि हाफ माइन अभिक्रिया आ गया तो इतना करना पड़ेगा। अगला नंबर लिखो एल्किल साइनाइड का बनना, बड़ा लंबा आज का सेशन है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का बनना, देखो जरा थोड़ा समझना, हमारे पास RX है, इसका नाम है हेलो एल्किल, और जब एल्किल में से साइनाइड CN जुड़ेगा तो एल्किल साइनाइड हो जाएगा, मतलब इससे इस चीज को बनाना है, तो कहीं ना कहीं साइनाइड यौगिक लेना पड़ेगा, जब किसी चीज को बनाना होता है तो उससे संबंधित हमें यौगिक लेना पड़ेगा, जैसे हमें दूध को खट्टा करना है तो उसमें कहीं ना कहीं खटाई डालना पड़ेगा, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे आप उसमें हल्का सा मक्खन डाल दो, जो भी डालना है डाल दो, समझ रहे हैं? तो भाई साहब मुझे साइनाइड बनाना है तो कहीं ना कहीं इस हेलो एल्केन में साइनाइड का कोई भी यौगिक, जैसे KCN हो गया है ना, पोटेशियम साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड हो गया, इन दोनों में से कोई एक ले लो, साइनाइड लेना पड़ेगा तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, कोई दिक्कत? चलो तो क्रिया कराई दे प्यारे बच्चों, किसकी क्रिया करा रहे हैं, हेलो एल्किन की, किसके साथ करा रहे हैं, साइनाइड, कोई भी साइनाइड, तो हेलो एल्किन, हेलो एल्किन की क्रिया, की क्रिया एल्कोहाली है, एल्कोहाली है, KCN या NaCN, क्या Na, हेलो एल्किन की क्रिया एल्कोहाली KCN या NaCN से कराने पर, अब बोलोगे सर कि आप भी स्मार्ट बोर्ड ले लो, बहुत लंबा चौड़ा खींचना पड़ता है, तो प्यारे बच्चों अभी इतनी क्षमता नहीं है, समझ रहे हैं? कराने पर एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बनते हैं, इसका दूसरा भी नाम है एल्किल साइनाइड का, जानते हैं कौन सा, एल्किल नाइट्राइल वो बोलते हैं, जिसे एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं, जिसे एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं, भी कहते हैं, एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं,
ठीक है, हेलो एल्किन की क्रिया एल्कोहली KCN या NaCN से कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। चलो क्रिया कराई दो बच्चे लोग। हम कहें ये RX है, RX ठीक है सर, इसकी क्रिया KCN से करा दो। ये हमारे पास RX है, इसकी क्रिया NaCN से करा दो। बस सिंपल कुछ भी नहीं है, ये जो X होता है निगेटिव होता है, X जो होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। जैसे हमारे पास K है और X से क्रिया करके K बनाए, K X बनाएगा, यहाँ पर Na है तो Na X बना लेगा, समझ रहे हो। तो R है, R जो है CN के साथ संयोग कर लिया, R जो है वो CN के साथ संयोग कर लिया, सिंपल है, साइनाइड बना दिया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, C2H5Bl है या Br, सॉरी यहाँ पर KCl की क्रिया करा दिया हमने। Cl का ले रहे हो सर, बार बार Cl क्यों आ रहा है, KCn पोटेशियम साइनाइड। तो होगा क्या, ये होता है निगेटिव, ब्रोमीन क्या होता है, निगेटिव। भाई साहब 17वें समूह के जितने भी तत्व हैं, हैलोजन जितने भी तत्व हैं, सभी के सभी हैं निगेटिव। तो ब्रोमीन जो है कैसे क्रिया करता है, ब्रोमीन जो है कैसे क्रिया करके क्या बनाता है, KVR, क्या बनाएगा, KVR, ठीक है। और यहां पर बनेगा C2H5CN, यानी प्यारे बच्चों ये एथिल है, एथिल साइनाइड बनता है, क्या बनता है, एथिल साइनाइड। सोचने की यहां पर ज्यादा दिक्कत है ही नहीं है, बहुत सिंपल है और आप आसानी से कर सकते हो। एल्किल साइनाइड कैसे बन गया, हमने कहा हेलो एल्किन की, हो देखो जरा, देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, हेलो एल्केन है। लोग सोचेंगे कि सर गलती कर रहे हैं, बाद में इनको कमेंट बॉक्स में मारेंगे, सर यहाँ पे गलती हो गई, ये नहीं कि थोड़ा भूल जाता है यार। देखो फोकस रहता है कैमरे पर, यहाँ पर नहीं क्या लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक बार पढ़ना पड़ता है। हेलो एल्किन की क्रिया एल्कोहली KCN या NaCN से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जिसे एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं हम इसका नाम बताओ IUPAC, भाई साहब बोल देना सर ये है हमारे पास दो कार्बन, तो एथिल, एथिल नाइट्राइल, एथिल साइनाइड या एथिल नाइट्राइल, एथिल साइनाइड या एथिल नाइट्राइल, समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, ओके, चीजें क्लियर है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन था भाई साहब, ये हमारा 10वां रिएक्शन था। ठीक है, यदि मैं थोड़ा सा, यदि मैं कह दूं और एक एग्जांपल बताओ सर, कुछ और मजा आए। अब आइसोसाइनाइड, ठीक है, अगला हेडिंग लगाओगे एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हेडिंग लगाओ एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना। ठीक, एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, तो अब इसमें हम क्या लेंगे भाई साहब की क्रिया करके क्या बन जाए आइसोसाइनाइड, तो हमको पोटेशियम जो हम लिए थे अब इसके जगह कुछ दूसरा लेना पड़ेगा, तो वो कौन है, AgCN है, सिल्वर साइनाइड है। हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहली या जलीय AgCN से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, लो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, कौन लिखे यार, आप समझ गए होगे एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, तो हेलो एल्किन की क्रिया कराएंगे एल्कोहली या जली AgCN से क्रिया करा दो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। RX है, आप AgCN से करा दो, AgCN से करा दो, तो भैया ये टूटेगा तो AgX बनाएगा, Ag हैलोजन तत्व को जोड़ दो, R जो है वो C डबल बॉन्ड, ना 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 भैया, इसमें थोड़ा सा उप सहसंयोजी बंध बनता है, मुझे गड़बड़ हो गया था अभी, तो ये कार्बन के पास कमी होती है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बनाता है, आइसोसाइनाइड है ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। मैं C2H5Br लेता हूँ और AgCN से क्रिया कराता हूँ तो AgBr बनाता है, क्या बनाता है, AgBr, और यहाँ पर C2H5 है तो C2H5 रहने दो, यहाँ पर हमारे पास NCN डबल बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध, तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड का प्यारे बच्चों हमारा दोनों का CN ये हमारे पास साइनाइड है और NC ये हमारे पास आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है और ये साइनाइड है, ये दोनों का पहचान है, ये दोनों का पहचान है,
इसके अलावा इस चैप्टर में हेलो एल्केन के कोई भी मेहमान नहीं है कि प्यारे बच्चों जिसे हमें पढ़ना पड़े। तो 11 रिएक्शन हो गए कंप्लीट। ये 11वां नंबर था, हमने बोला था आपको कि 10 रिएक्शन आपको कराएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर रूप से सीखे होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।